Hello guys, for scoring good marks in board exam, please go through the every video and subscribe channel for notification. BMW नहीं है, EM wave से, ठीक है? EMW. आज EMW के बारे में जानेंगे, ठीक है? हमारे एक महान साइंटिस्ट प्री मैक्सवेल जी ने बताया. प्री मतलब प्री जब हम किसी को बहुत चाहते हैं तो उसको प्री बोलते हैं, ठीक है? हाँ, डियर. तो डियर मैक्सवेल जी ने क्या कहा कि अगर आवेश को गति कराई जाए, लेकिन कौन सी गति? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझ लो. इतना ही फर्क है केवल. गति करेगा आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, रुका रहेगा आवेश तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इन्होंने कहा कि न एक समान गति करे और ना ही रुका रहे, त्वरित गति करे. त्वरित का मतलब समझते हो? कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी, मतलब लगातार उसकी स्पीड में परिवर्तन होता रहना चाहिए, हिलता रहना चाहिए वो, ठीक है? उस ऐसी गति को कहते हैं त्वरित गति, जिसमें एक्सीलरेशन आ जाता है. तो जब एक्सीलरेशन आ जाता है तब जो है ईएम वेव्स जनरेट होती है. तो असली प्वाइंट यही है, उससे जो घुमाता है, जब पूछता है तो वो यही जानना चाह रहा होता है कि ईएम वेव्स का कारण क्या है उत्पन्न होने का. तो त्वरित गति आवेश के अंदर त्वरित गति होती है, ठीक है? जब वो त्वरित गति करेगा तो ईएम वेव जनरेट होगी, अदरवाइज एक समान गति करेगा तो नहीं हो सकती, केवल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा. और दोनों होना चाहिए, ठीक है? और दोनों समान कला में समान स्पीड के साथ होने चाहिए, ठीक है? समान कला में मतलब कि ये जीरो पे, ये जीरो पे, वो 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, मतलब ऐसे वेव चलेगी. जैसे हम दो बनाते हैं, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, इधर की तरफ हम जो है ईएम वेव की वेलोसिटी ले लेते हैं, इधर की तरफ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी. इधर की तरफ मान लीजिए जो है ये हमारा वाई प्लेन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाला प्लेन हो गया जेड, ठीक है? इस टाइप से हमने ले लिया, ठीक है? तो इधर की तरफ हमने विद्युत क्षेत्र दिखा दिया, इस डायरेक्शन में हमने क्या दिखाया? वैद्युत क्षेत्र दिखाया. ये वैद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट है, ठीक है? बराबर बराबर बना लेते हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है? लगभग बराबर नजर आ रहे, ठीक. अरे चलो तुम समझ लेना कि ये बराबर ही है, हमने कह दिया अब तुम समझ लो, ठीक, ये बराबर है. तो ये जो है इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया वैद्युत क्षेत्र का कॉम्पोनेंट, ठीक. ये कौन से है? वैद्युत क्षेत्र के कॉम्पोनेंट है, लोग बन गए सब वैद्युत क्षेत्र के कॉम्पोनेंट, ठीक. और इसी से लंबवत, इसी के 90 डिग्री पर, इसी के 90 डिग्री पर जो है अब हम बना देते हैं मैग्नेटिक. अब ये तो इसके अलाउंग चल रहा था ना, वाई की दिशा में कंपन हो गए थे, एक बनाना है जो जेड डायरेक्शन में हुआ ना. इसको भैया बनाने के लिए टेढ़ी की है थोड़ा सा, ये तो टेढ़ी की मैंने सीधी कर दी, ठीक है? तो समझ में आ रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा बनते हैं, ठीक है? अब तुम ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बनाई, ठीक है? मतलब ये आपस में क्या रहे थे, ये प्लेन ऐसे हो गया, आप समझ जाएगा ऐसे. अब दिख रहा है ना 90 पे ये आपस में किस पे है, नजर आ रहा है ना 90 पे, देख लीजिए ऐसे है ना 90 पे. एक नीचे ऐसे ऐसे गति कर रहा है और एक ऐसे ऐसे ऊपर का चल रहा है, ठीक है? तो दो गतियां हो रही है, ये ऐसे. फिर ये इधर का है, ये वाले जो कंपोनेंट जो इधर की तरफ गति कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, ठीक है? तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब त्वरित आवेश किसी विद्युत परिपथ में होता है और इसकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है तो उस परिपथ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको डांस करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक, वाइब्रेट करते हैं. और इन दोनों का वाइब्रेशन का जो प्रोपोगेशन है, आगे चलने का जो प्रोपोगेशन है,
वो भी इन दोनों के आपस के लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि इनका जो चाल होती है वो अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो कि सी के बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी इन्होंने खास बात बताई, ठीक है। आगे बात समझ में, और क्या बताया इसके बारे में, और इन्होंने कहा कि इन वेव्स को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कोई पदार्थी माध्यम नहीं चाहिए, कोई भी पदार्थी माध्यम नहीं चाहिए, और ये हमेशा समान कला में चलते हैं। विद्युत के घटक और जो चुंबकीय घटक है आपस में समान कला में, जिस समय ये अधिकतम उस समय ये अधिकतम, जिस समय ये बीच की वैल्यू उस समय ये बीच की वैल्यू, जिस समय ये जीरो, देखो आपस में मिल रहा है ना, जीरो जीरो पे, यहाँ पे नोट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो समान कला में चलते हैं, समान एनर्जी के साथ चलते हैं, और दोनों के पास एनर्जी समान होती है, दोनों के पास एनर्जी समान होती है, ठीक है। अगर हम इसका कहें कि इक्वेशन लिखो, विद्युत क्षेत्र की इक्वेशन लिखो, तो E इक्वल टू E नॉट साइन, ठीक है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ के और एक्स, एक्स ये बता रहा है कि दिशा एक्स की तरफ ये गति कर रहा है, किधर जा रहा है, एक्स की दिशा में ये गति कर रहा है, ठीक है। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिससे जनरेट किया जा रहा होगा, उसकी आवृत्ति कितनी है वो, ठीक है, टी नॉट टाइम पीरियड, ठीक है, ये चीजें होती है। के वेव नंबर होता है ना, नंबर याद है ना, उधर पढ़ा था 1/λ के नंबर, है ना। तो ये इसकी हो गई। अगर हम कहें मैग्नेटिक वाले की लिखो, मैग्नेटिक वाले की लिखो, तो B इक्वल टू B नॉट आ जाता है और साइन ओमेगा की माइनस के एक्स हो जाता है। अगर आप इनकी एनर्जी निकालेंगे तो दोनों की एनर्जी हर क्षण समान होती है, या एकांक आयतन में उपस्थित जो एनर्जी होती है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की है, उसकी मैग्नेटिक क्षेत्र की हो, समान होती है, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इन्होंने मेंशन करके दिखाया था। अगर हम एकांक आयतन में एनर्जी की बात करें, एकांक आयतन का मतलब होता है कि बहुत कम आयतन में एनर्जी है ना, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो स्मॉल यू से लिखते हैं, और संपूर्ण आयतन में एनर्जी तो कैपिटल यू से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी, तो 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे हाफ एमवी स्क्वायर पड़ते हैं ना, वैसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी एनर्जी सब बराबर ही होती है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की निकालना चाहते हैं, 1/2, अब क्योंकि म्यू नीचे आता है, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल, ठीक है, इनके मान क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। यहीं से तो रिलेशन इन्होंने निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, है ना, और ई बाई बी ये प्रकाश की चाल कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश की चाल, क्यों, अभी हमने अगर तुम निकालोगे तो यही आएगा म्यू नॉट इंटू नॉट अंदर, ठीक है। किसी भी क्षण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का रेशियो लोगे, वैल्यू सी के बराबर है, चाहे ई नॉट बी नॉट ले लो, चाहे किसी भी टाइम पे ले लो, ई बाई बी लोगे तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्रकाश की चाल के बराबर आ जाएगी। विस्थापन, धारा की आवश्यकता, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और धारा को कहते हैं आई, है ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, आई बी लिखते हैं, ठीक है। तो एम्पियर के नियमानुसार, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट तो सबको याद ही होगा ना, स्टेटमेंट ये होता है, अब सूत्र लिख देते हैं, वो भी डिफिनेशन माना जाता है एम्पियर के अनुसार, ठीक है। एम्पियर के नियमानुसार क्लोज इंट्रीगला इंटीग्रेशन, जब ऐसे गोला बना दिया जाए ना, इंटीग्रेशन के ऊपर गोला बना दिया तो उसको समझ लेना क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब पूरे एक सर्किल बन जाए, कोई पॉइंट खुला ना रह जाए, है ना,
क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर का नियम था, ठीक है। एम्पियर ने तो इतनी बात तो बता दी थी, ठीक है। ये इतना होता है यहाँ पे, ये मालूम होगा निर्वात की चुंबकीयता होती है इसमें, ठीक है। अब हम कैपेसिटर बना के जो आवश्यकता थी उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक हम कैपेसिटर बना रहे हैं, समांतर प्लेट कैपेसिटर मैंने ले लिया ऐसे करके, ठीक। इसमें हमने आई की धारा प्रवाहित करा दी है ना, जिसकी वजह से जब आई यहाँ रही तो यहाँ पे आपको मालूम है कैपेसिटर में हमने पढ़ा है एक प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। एक प्लेट पे जैसे चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पे अपने आप से क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है ना। तो अगर यहाँ प्लस जनरेट हो गया तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता, खींच लेता है, इकट्ठा हो जाता है इस ना। तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सेम उतना ही चार्ज जितना इससे दोगे उतना ही चार्ज इधर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इस घटना से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जब इधर प्लस चार्ज हुआ इधर माइनस चार्ज हो तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इस चार्ज के कारण, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो प्लेट आपने ली है इनका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ए क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल ले लिया, ए क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। तो अगर हम एम्पियर का नियम इस जगह पे लगा दें, इस जगह पे हमने क्या किया, एम्पियर का नियम लगाया, ठीक है। तो इस जगह पे जब नियम लगाएंगे तो हम लोगों ने वहां ड्राइव कर रखा था कि सीधे तार के अंदर जब धारा जा रही होती है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमने निकाल लिया था, बी इक्वल टू टू पाई आर है ना, इज इक्वल टू बड़ा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, ठीक है, लिख देते हैं। तो वहां से हम लोगों ने मतलब यही चीज है, इसका जो डेरिवेशन जब ये वाली मान निकाली थी, हम लोगों का मान निकल के आया था बी टू पाई आर बाई क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब पूरा ले लीजिए जितना बड़ा ले रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई। अब यहाँ टी के इसलिए ले रहे क्योंकि ये धारा बार बार अपना मान बदल रहे, जब तक धारा का मान नहीं बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वरना एक जैसा बना रहेगा, तो इसलिए हम लोग आई टी ले रहे क्योंकि यहाँ पे धारा का मान बदलता है, ठीक। ये तो हो गई बाहर की बात, अब जरा अंदर की बात कर लेते हैं, है ना। चलते हैं चैप्टर नंबर दो में, गॉस की प्रमेय में। वहां बताया गया था कि अगर दो प्लेट रखी जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका मान था ई इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन, दो प्लेट की वजह से सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टू से टू एब्सोल्यूशन, याद है कि नहीं याद है, गॉस की प्रमेय से, जैसे ये एम्पियर के नियम से था वैसा ही जो है गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से। कैपेसिटर के अंदर की अब बात हो रही है, अब यहाँ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इस जगह की बात होने जा रही है। तो यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ ना चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसके बीच में उत्पन्न हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र जो आपका है ये कितना हुआ है ये जरा हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, परिभाषा से ई इक्वल टू जो आएगा वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अब सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, आवेश घनत्व होता है, कौन सा, पृष्ठ पर, अगर लाइन पे होता है तो लैम्डा लेते हैं, पृष्ठ पे होता है तो सिग्मा लेते हैं, आयतन में होता है तो रो लेते हैं, है ना। तो ये जो है सिग्मा है इसका मतलब, और हमको सिग्मा नहीं दिया, हमको क्यों दिया है, तो सिग्मा को बता सकते हैं, सिग्मा ये बताता है कि एकांक पृष्ठ के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, उसको कहते हैं सिग्मा, है ना। और यहाँ क्षेत्रफल हमको मालूम है कि कितना क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है ना, तो ये हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इतना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको विद्युत क्षेत्र मिल गया है तो फ्लक्स भी मिल जाएगा, इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र पता चल गया तो फ्लक्स कितना होगा, है ना, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। फ्लक्स जो होगा हमारा फाई वो होता है ई डॉट ए, ई इंटू ए ही तो होता है, और ये लंबवत रखा ही है तो उसमें थीटा वीटा का काम खत्म, हम लोग डायरेक्ट सिंपली तरीके से कर रहे हैं, ई का मान पहले निकाल रखा है, ठीक है, वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चलिए फ्लक्स मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, ई भी लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ई का मान है हमारा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में ए, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, फाइव मिल गया, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट,
एम वन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम धारा की बात कर रहे हैं, धारा का नियम क्या कहता है। ठीक है, धारा होती क्या है एक्चुअली, जो धारा होती है, जो आई होती है, वो होती है आवेश प्रवाह की दर, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम छोटा सा एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे आई का, क्योंकि हमें आई ही चाहिए थी, यहाँ पे आई कितना ही यही चाहिए था, आई निकालना है। ठीक है, तो अब क्यों चाहिए, क्यों का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन से क्यू इक्वेशन क्या होगा, इसको इधर भेज दो, है ना, डी बाई डी टी ऑफ, इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई ई। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उनका कोई मतलब नहीं, उनको भेज दो बाहर, है ना, इसको क्या करते हैं बाहर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा बाहर, डी फाई बाई डी टी। अब ये भी सब लोग पढ़ चुके हो, डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है ना, डी फाइव बाई डी टी, ये हमारा अगर मतलब ये चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स है ना ये। ठीक है, तो हमें करंट मिल गई आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और देखो यही जो है एम्पियर भूल रहे थे, यही वाली करंट भूल रहे थे, इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, यही करंट चाहिए थी कि अंदर की करंट होती है, ऐसा नहीं है कि बिना करंट के इधर से पिली और उधर निकल गई, ये मिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये निकालने के बाद इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, या विस्थापन धारा, हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। ठीक है, हाँ, फिर इन्होंने एक बात बताई कि दोनों एक साथ नहीं होती है, जिस समय कंडक्शन करंट होती है उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती है, और जिस समय डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उस समय कंडक्शन करंट नहीं होती है। लेकिन जो ओवरऑल कंडक्शन का फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है किसी कैपेसिटर में, तो पहले कंडक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर कंडक्शन, इस प्रकार से होता रहता है। तो इन्होंने इस नियम को मॉडिफाई कर दिया इनके, ठीक है, चारों से इसी में, हाँ, मैक्सवेल ई समीकरण, जब इन्होंने पूरी फिजिक्स को चार समीकरण में बंद किया तो थोड़ा बोझ हल्का हुआ, जब बोझ हल्का होता तभी तो तेज भागते, अगर बोझ ही लाद लिया खूब ज्यादा, ठीक है ना, तो हम लोग तेज नहीं चल सकते। तो इन्होंने कहा पूरी फिजिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चार है जो पूरी फिजिक्स को कवर कर देगी, कौन सी फिजिक्स को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की इन्होंने बात की थी, ठीक है, कि उसको कवर करने के लिए बस चार इक्वेशन आप हमारी समझ लो। ठीक है, मतलब इन्होंने उठा के ऑब्जर्व करके सारे साइंटिस्ट की समीकरणों को पढ़ करके तब इन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला। ठीक है, इन्होंने कहा जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो समीकरण है वो जो गॉस की थ्योरम थी, गॉस की प्रमेय पढ़ा था ना, कहा वो बहुत, गॉस जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, उनकी जो समीकरण है पहली वही है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत वाले विभाग में गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस का नियम, विद्युत में गॉस का नियम, बताओ क्या था उसमें, क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, हाँ, कहा था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, वहां तो विद्युत था ना, विद्युत क्षेत्र था ना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, इन्होंने उस समीकरण को बहुत अच्छा बताया और उसको सिलेक्ट किया, और ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह इसके सवाल बड़ी आराम से लग जाते हैं, हर बार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों भाई, साइलेंट नोट, साइलेंट नोट याद, खाली चार्ज करता हूँ, काम खत्म, अंदर कहीं भी रखो तो भी झमेला नहीं होता था, है ना, इतनी अच्छी समीकरण थी, एक इन्होंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब जब वहां की गॉस की ली विद्युत क्षेत्र की, तो सेम वैसे ही जो है फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है ना, तो वहां से भी उन्होंने उठा लिया। ठीक है, चुंबकत्व का गॉस का जो नियम था, ठीक है, चुंबकत्व का गॉस का नियम, वहां की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, वहां जो होता था जीरो के बराबर, क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, दो इक्वेशन हो गए। तीसरा इन्होंने जो फैराडे ने बताया था वहां पहुंच गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पहुंच गए। ठीक है,
फैराडे वाला, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। एक हो गया, दो हो गया, और ये रही तीसरी, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है, इसको भी इन्होंने पसंद किया, सेलेक्ट कर लिया। ये क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, E इक्वल टू माइनस, अगर एन फेरे तो ले लेते थे डी फाइव बाई एट, ठीक है, डी फाइव बाई, ठीक। उसके बाद देखो इनका कुछ नहीं था, देख रहे हो, इनका कुछ नहीं था, इन्होंने साइंटिस्ट और पढ़ने के बाद, बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये होने चाहिए, बाकी सब फिजिक्स में गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, ये काम की चीज है। चौथा इन्होंने जो निकाला वो अपना अभी जो मॉडिफाइड वाला एम्पियर का नियम था, मॉडिफाइड वाला, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथ नियम जिसको कहते हैं, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है, जो कि निकल के आया था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, बाहर जो कि भी गलती हुई थी मानते है ना, आई सी प्लस का, बस इतने सही सारा काम हो जाएगा। और